Ashta Bhabhi, what happened? Uproarian? पता नहीं वारिया, साबिर और कासिम को क्या हो गया? दोनों मेरे खिलाफ हो गए। घर में कुछ भी हो उसका इल्जाम मुझे पर लगाया जाता। अब तुम्हारा पासपोर्ट उस अनार और अम्मा भी ने छुपाया, ये बात मैंने कह दी तो क्या गलत किया मैंने? अम्मा भी मिली हुई हैं। देखो मैंने आंखों से तो नहीं देखा लेकिन मुझे यकीन है कि ये हरकत इन्हीं दोनों ने की है। अगर ये दोनों मिले हुए हैं तो फिर इस बात का जी को भी पता होना चाहिए। नहीं मारिया, देखो खुदा के लिए मेरा नाम मत लेना वरना अजीम भाई आ जाएंगे मुझसे लड़ने के लिए। पहले इस सब घर वाले मेरे खिलाफ। ओके डोंट वरी, नहीं बताऊंगी मैं किसी को। पासपोर्ट तो देने पड़े ना, क्या फायदा हुआ? तो अम्मा भी, आप ही ने तो कहा था मुझे कि पासपोर्ट वापस रख दो। कसम से आप देखती कम से कम भी 2 हफ्ते लगते हैं इन लोगों को अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये काम आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। कौन सा काम, क्या बातें कर रहा है ये? देख कासिम, तुमने कुछ नहीं सुना। हाँ मैंने कुछ नहीं सुना, मैं तो बहरा हूँ बल्कि अब तो गूंगा भी हूँ। लेकिन ये खिचड़ी जो आप दोनों ने मिलकर बनाई थी बहुत ही बदजायका थी, किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा अब वो अम्मी पे शक कर रहे हैं। देखा अम्मा भी, अब ये अपनी माँ को बचाने के लिए सब फूट देगा, पसवाएगा हम दोनों को, देख लीजिएगा आप। वैसे करना मुझे यही चाहिए जो आप दोनों ने किया है, लेकिन अम्मा भी मेरे अब्बा की भी अम्मा है, इसलिए मुझे चुप रहना पड़ेगा। ग्यारह ग्यारह जी अम्मा भी, क्या हुआ? ये किसने कपड़े धोए हैं इतने खराब, सारा साबुन बीच में, फिर से धुलेंगे ये? अम्मा भी राजदा ने धोए, पता नहीं उसका दिमाग कहाँ होता है, बिल्कुल ध्यान से काम नहीं करती, दिल ही नहीं लगता उसका। तो अपने कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए भिजवाती थी या घर में कब से धुलवाने लगी? ड्राई क्लीनर जो है ना वो बहुत महंगा हो गया है, जितने पैसे मैं अपने कपड़ों के दूंगी उसमें दुगने धुल जाएंगे, और अब वैसे वो हालात कहाँ हैं कि इतना खुला खर्च कर सके। आप लोगों को एक खुशखबरी देने आई हूं। हाँ बेटा बताओ क्या? आपके बेटे ने कुछ अरसा रुकने का फैसला कर लिया, इसलिए सीट्स आगे कर दी हमने। अरे भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी अच्छी बात है, मगर मैंने ही शर्त रखी कि जब तक वो उसने को डिवोर्स नहीं दे देंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो बस जब तक डिवोर्स पेपर्स रेडी होंगे और वो उनको साइन करेंगे उसके बाद हम चले जाएंगे। रिलैक्स मॉम, इस तरह खुद को परेशान करके आप क्या कर लेंगी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अरमान, और मैं कुछ ना कुछ कर भी लूंगी, इस मानूर से तो जान छुड़ानी होगी। मतलब ये कि आयान और मानूर की मोहब्बत हमारे लिए हार्मफुल, नुकसानदेह होती जा रही है। वो कैसे? कभी देखा करो मेरे बेटे, कभी देखा करो। मानूर के इश्क में वो दीवाना रोज ऑफिस जाने लगा है। वो तो मैं देख रहा हूं, आयान काफी टाइम से मुझसे ज्यादा काम पे फोकस कर रहा है। वो ही तो देखो, आहिस्ता आहिस्ता वो सारा बिजनेस और ऑफिस संभाल रहा है, जबकि उसको तो हमने ऑफिस से और बिजनेस से दूर रखना था। ऐसे मॉम सब कुछ हमारी सोच के ऑपोजिट हो रहा है, लेकिन अब इन सब चीजों को कैसे रोके हम? तभी तो मानूर से जान छुड़ाना अब बहुत जरूरी हो गया है। आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप मानूर को लेकर कुछ ज्यादा परेशान हो रही हैं। माना कि आयान ऑफिस जा रहा है, काम को संभाल रहा है, उसका तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मानूर को लेकर आप क्यों परेशान है? वो तो पड़ी रहेगी घर के किसी कोने में, उसने आपको क्या कहना है? सोच है तुम्हारी अरमान, तुम किस तरह की बातें करते। देखो आखिर उस घर में आ गई ना, कल को उसने मलिक साहब को अगर वारिस दे दिया तो तुम्हारी और मेरी वैल्यू तो डाउन हो जाएगी। वैसे प्लानिंग तो आपकी अच्छी थी मॉम, लेकिन मानूर क्या, इसमें सारा कसूर तुम्हारा है। मेरा?
मेरा कैसे कसूर है इसमें मॉम? ये तुमने जो गोदाम में आग लगाई थी ना, तुम्हारे बाप ने हमदर्दी में मां नूर की अयान से शादी कर दी। अरे मॉम, डैड ने हमदर्दी में आकर अयान की शादी नहीं करवाई, उन्होंने अयान की ख्वाहिश पर उसकी शादी करवाई है। उन्होंने जिस तरह गोदाम में आग लगाकर सब कुछ राख कर दिया था ना, इसी तरह उस लड़की को भी आग लगाई जा सकती थी। ये देखो, इस बातें सुन रही है, छुप छुप के हमारी सारी बातें सुन ली इसने। अरे वो क्या, हमारी अच्छा हुआ तुमने हमारी बातें सुन ली, हमारा काम आसान कर दिया तुमने। मैंने कुछ भी नहीं सुना, कोई बात नहीं सुनी। हाँ, तुम्हारे गोदाम में हमने ही आग लगाई थी, ये बात अब तुम्हें पता चल गई है। तुम्हारे अलावा अगर ये बात किसी और को पता चली, और तुम सोच नहीं सकती कि हम तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ क्या कर सकते हैं। तुम ही समझाओ इसे आगे, बताओ इसका हम क्या कर सकते। ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस जिस तरह गोदाम में आग लगवा कर रातों रात सब कुछ जला के राख कर दिया था ना मैंने, उसी तरह तुम्हारे घर और घर वालों को जला के राख कर दूंगा मैं। देखिए मोहब्बत सतरंगी तीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।